Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ में लगातार हो रहे अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण देने के आरोपों से घिरे मेरठ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने आज बेहद तत्परता दिखाते हुए सुबह 5 बजे कंकड़खेड़ा में एक दुकान को ध्वस्त कर दिया। मौके पर जो लोग इकट्ठा हुए और इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया उन्हें लठिया दिया गया। कंकड़खेड़ा के व्यापारी नेता नीरज मित्तल को भी लाठी लगी। इसका विरोध करते हुए व्यापारियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचकर उपाध्यक्ष का घेराव किया। लगातार 4 घंटे के विरोध के बावजूद उपाध्यक्ष को प्रवर्तन दल वह आदेश नहीं दिखा पाया जिसके आधार पर दुकान को जमींदोज किया गया था। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को व्यापारियों ने निरंकुश सिस्टम की संज्ञा देते हुए हंगामा किया। बाद में प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने सारे घटनाक्रम पर खेद जताते हुए प्रकरण की 4 दिन में जांच करने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जिस पर व्यापारी शांत हुए। पहले देखिए मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे के कक्ष में हंगामा करते व्यापारी। आपने कहा मैं जा रहा हूँ, आप अपना टाइम ठीक है। नहीं आप सुनो, मैं मौके पर मौजूद व्यापारी नेता नीरज मित्तल ने यह कहा। मेरा नाम नीरज मित्तल है, जिनकी दुकानों का नाम प्रमोद पुंजीर है। आज सुबह की घटना है, मेरठ विकास प्राधिकरण जो हमारे मेरठ का है इसने पूरे मेरठ में विनाश प्राधिकरण की भूमिका निभा रखी है। आज सुबह सुबह जब सेकंड सैटरडे के संडे की छुट्टी थी, सुबह सुबह एक व्यापारी की दुकान 45 साल से बनी हुई है, 45 साल से वहाँ पर कारोबार चल रहा है, हाउस टैक्स है, लाइट का बिल है, दुकान बनी हुई है सभी की, और बिना बताए 5:30 बजे सुनियोजित तरीके से विकास प्राधिकरण के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी दुकान को ध्वस्तीकरण कर देते हैं। उसके अंदर 2 मजदूर भी थे, 96,500 रुपये करीब कैश भी रखा हुआ था और जो भी छोटा मोटा सामान था वो सब चोरी हो। मेरे पे 7:30-7:45 बजे करीब फोन आया, मैं मंदिर से आके बैठा था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इनके जी ऐसा घटना हो रही है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने जो भी वहाँ पे लोग थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, उसमें 3-4 जनों को चोट भी लगी है, मेरे भी थोड़ी सी चोट आई है। तो ये प्रकरण है अध्यक्ष जी। विरोध प्रदर्शन की संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने यह जानकारी दी। 5 बजे कंकड़खेड़ा क्षेत्र में मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा एक व्यापारी प्रमोद पुंडीर की प्रतिष्ठान पर जाया गया। उसकी दुकान को इसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए जाने का एक आदेश था, 1/6/2024 को व्यापारी द्वारा उस आदेश को यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण में सचिव के कार्यालय में रिसीव कराया जा चुका है। 10 दिन के पहले उसे रिसीव कराने के बाद आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर बिना किसी नोटिस के उस आदेश की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए उन्होंने वहां पर व्यापारी की दुकान को ध्वस्त कर दिया, जिसके अंदर 2 मजदूर थे। मजदूरों के साथ कोई ख़राब घटना हो सकती थी, हमारे गले में 96,000 कुछ रुपया रखा था, वह भी कहाँ गायब हो गया। उसको मेरठ विकास प्राधिकरण के गए हुए प्रवर्तन दल के
कर्मचारियों ने निकाला या इनके जो और लोग थे उन्होंने निकाला, लेकिन व्यापारी का नुकसान हुआ, उस के अंदर दुकान के अंदर रखे सामान का नुकसान हुआ। हमारा व्यापारी उद्देलित था, आज आंदोलन के स्वरूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। 11 बजे से हमारे व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल जी घायल भी हुए, उनके कोहनी में चोट लगी है, उसमें ब्लड भी उड़ गया, जिसकी उन्होंने थाने में FIR भी दर्ज कराने की लिखित में सूचना दी। VC साहब ने कहा है, पहले चल रहा था कि वो हम जांच करेंगे, लेकिन हमने उनसे कहा कि हम बिना यहाँ पर उस आदेश को देखे बिना कि प्रवर्तन दल किस आदेश के तहत गया, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? उन्होंने अंत में ये स्वीकार किया, 4 घंटे तक मैं प्रवर्तन दल के लोगों से उस पर फाइल पर आदेश की कॉपी को मांगते रहे, उन्होंने कोई आदेश की, प्रवर्तन दल ने कोई आदेश की कॉपी उनको उपलब्ध नहीं कराई। VC को जब आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई तो अंत में VC ने ये स्वीकार किया कि मेरा ये मानना है कि प्रवर्तन दल के पास कोई आदेश नहीं था, वे बिना किसी आदेश के गए हैं। मैं पूरे प्रकरण की जांच करके 4 दिन के अंदर इन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नाते जो जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई लिखने के लिए पुलिस को भी कार्रवाई करे लिखूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जिस व्यापारी का नुकसान हुआ है उसको मेरठ विकास प्राधिकरण अपनी ओर से कंपनसेट करेगा, उसको वह पैसा, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन मेरठ विकास प्राधिकरण के VC महोदय ने दिया है। बाद में मीडिया से वार्ता करते हुए उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने यह बताया। व्यापारी संगठन से यहाँ पे वार्ता हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि प्रवर्तन दल द्वारा एक सीलिंग की भूमि, जिसके ऊपर वैशाली बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानांतरित करने की योजना थी, उसके ऊपर कुछ निर्माण की बात कही गई, जिसके विरुद्ध आज सवेरे कार्रवाई की गई। जो व्यापारी संगठन है, जो व्यापारी वर्ग है, उनका कहना है कि निर्माण जिस घाटे में स्थित है वो अर्बन सीलिंग की भूमि नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि निर्माण के ऊपर कार्रवाई करने से पूर्व नोटिस आदि देने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में लंबी वार्ता हुई और वार्ता के बाद ये अवगत कराया गया है कि पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को करने के दौरान विधिक कार्रवाई का पालन हुआ कि नहीं हुआ, जो प्रवर्तन दल के कर्मचारी थे उनके द्वारा स्थल पर जो व्यवहार था वो कर्मचारी आचरण के विरुद्ध तो नहीं था, इन सभी प्रकरणों में 4 से 5 दिन के अंदर जाँच की जाएगी, और यदि कार्रवाई गलत हुई है तो निश्चित तौर पर जिनकी गलती है उनको दंडित भी किया जाएगा। जैसे यहाँ हम लोगों ने हंगामा किया, वो ये दोनों की इस इशू को लेकर जिस तरीके से और अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया जा रहा है, कहीं उसके लिए भी कोई ये उसके चक्कर में आए हुए हैं? देखिए, इस बात के ऊपर तो वैसे आम सहमति थी, व्यापारियों का भी ये कहना था कि अवैध कॉलोनियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहनी चाहिए, और किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरठ शहर के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। लेकिन बात बस इतनी थी कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है वो कार्यवाही सही हुई है, विधि अनुसार हुई है अथवा नहीं। 4 दिन का है कि 4 दिन? हाँ, चार दिन के अंदर हम इस बात की तस्दीक करा लेंगे तहसील स्तर से कि ये जो निर्माण हुआ था वो अर्बन सीलिंग की भूमि पे था, जैसा कि हमारे प्रवर्तन दल का कहना है, अथवा कि किसी अन्य घाटे पे स्थित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।